सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवदृष्टि ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी बढ़िया हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करिए। देखिए मौसम, जब भी मेरा कोई काम होता है ना, मौसम मेरे को ऐसे ही धोखा देता है। और आज मुझे गेहूं डालने थे और गेहूं पिसवाने भी थे। मैंने कल धोए थे गेहूं, कल तो ठीक ठाक धूप थी, लेकिन गेहूं को ना 2-3 दिन की धूप लगती है। और आज मौसम देखो, मैं दिखाती हूँ आप लोगों, ये देखिए ऐसा मौसम हो रहा है। और मुझे तो लग रहा है मौसम भी मेरे साथ ना आइस पाइस वाला गेम खेल रहा है। तो देखते हैं, अभी थोड़ी देर बाद पलटी भी खा सकता है मौसम। और आज मैं अभी छत में घूम रही हूँ, थोड़ा बहुत काम मेरा हो गया, बच्चे वगैरह सब सो ही रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने सोचा क्या करूँ, व्लॉग स्टार्ट भी कर लेती हूँ और साथ साथ घूम भी लेती हूँ, आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। और अभी नेहा भी नहीं उठी है, और आज नेहा के लिए स्पेशल नाश्ते में मैं क्या बना रही हूँ ये भी आपको दिखाऊँगी। और बस देखते हैं अब और आगे कैसे कैसे बनता है व्लॉग। चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। बेचारा कौआ ले गया रोटी और वो चूक गया। अभी देखिए देखिए छीना झपटी, अब उसकी रोटी गिर गई है नीचे। अब देखिए ना, देखना कौन उठाता है पहले। उठा ले ये ये रोटी ना इधर रखी थी मैंने, इधर से उठा के लेके गया। अब उनकी लड़ाई हो रही है और रोटी ना उनकी उधर गिर गई है। देखिए दिखाई दे रही होगी आपको। अब देखते किसके नसीब में है, सब ताक में बैठे हुए इधर उधर। चलिए फ्रेंड्स, सब चलते हैं नीचे। गेहूँ मैंने यहाँ पे रखे हुए, मैंने सोचा था उधर से फटाफट धूप में डालेंगे और आज पिसवा भी लेंगे। तब देखते अब क्या होता है, चलते नीचे नीचे का काम करेंगे। ओ भाई अलार्म बज गया। देवियों और सज्जनों, सो आ गई हूँ मैं अपने फेवरेट प्लेस में, किचन में। और आज किचन में बन रहा है नाश्ते में नेहा का फेवरेट आलू का पराठा। आलू मैंने बॉईल कर दिए और ये छिलने के लिए ना अब ठंडे करने के लिए रखे हैं। थोड़ी देर में इनको छिलूंगी, तब तक मैं अपना बाकी का काम कर लेती हूँ। बर्तन भी इधर पड़े हैं, अभी ये बर्तन भी साफ कर लेंगे। चलिए हम सब जाते हैं किचन में और करते हैं खाने का जुगाड़। नेहा तुम लोग बनाते हो वहाँ आलू के पराठे भी बनाते हो? है तो ही बनाते हो, है? अब तो कद्दू की सब्जी भी तेरी फेवरेट हो गई होगी, संगीता को पसंद है ना मूली की, वो खट्टा डाल के तुझे। अच्छा, और वो क्या कहते हैं कड़ी भी बनाते हो, उसे भी नहीं पसंद जो ही? सही है तो चलो आइयो, उठो चलो बेटा, मैं गरम गरम है। आ गई हूँ मैं किचन में। अब आलू का पराठा ये तैयार कर दिया है मैंने, इधर हरा धनिया धो के रखा हुआ है। आयुषी को हरा धनिया पसंद नहीं है, लेकिन इसलिए मैं पहले ऐसे सिंपल बनाऊंगी, उसके बाद फिर हरा धनिया डालूंगी। और लहसुन वाले पराठे मेरे घर में सबको पसंद है, तो इसमें लहसुन डालेंगे, हरा धनिया बाद में डालेंगे। और भव्य की डिमांड है फ्रेंड्स, उसको चीनी का पराठा खाना है, वो गुस्सा होकर चला गया। मैंने कहा चलो इसके लिए एक चीनी का पराठा बना दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करती हूँ फटाफट पराठे बनाना, और उसके बाद बच्चों को नाश्ता कराते, फिर ये लोग अपने अपने काम पे जाएंगे लगेंगे। बन रहा है भव्य के लिए चीनी का पराठा, और ये मैंने काट के रख दिया धनिया। मम्मी अभी लहसुन छिल रही है उधर, और इधर आटा वाटा सब तैयार कर रखा है। अब फटाफट ये दो दो तीन तीन टाइप के ना पराठे बनाए कि हमारे घर वालों के ना ड्रामे नहीं डालने, किसी को ऐसा पसंद नहीं किसी को वैसा, तो सबकी पसंद का ध्यान रखना पड़ता है, वरना सब लोग खाएं एक जना ना खाए तो अच्छा नहीं लगता। तो फटाफट मैं ये बनाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ फ्रेंड्स। सिस्टर टाइम स्पेंड कर रही हो क्या, ये रो रही है क्या? फिर आइयो मूवी भी कह रहा, मैं जाने नहीं दूंगा। फिर आ जाएगी बेटा, पढ़ाई भी तो जरूरी है ना, तेरा भी एग्जाम है उसका भी है, फिर आ जाएगी, इसमें रोने वाली क्या बात है। उसको भी मत बताना फिर रो रही हूँ, तूने ही बोला, वो कह रहा मैं जाने नहीं दूंगा। चलो उठो फटाफट, नाश्ता बन गया तुम्हारा। 2-4 दिन एक साथ रहोगे फिर एक कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ोगे। हाँ अब दूर दूर जाके प्यार हो गया ना। अच्छा, कभी कभी तो भड़क ही जाते थे तुम।
चलो आओ, तभी तो पता चलता है वेल इम्पोर्टेंस है ना। चलो दीदी की नौकरी कब लगेगी? मैंने कहा कौन सी दीदी? कौन दीदी है वेल मेरी? मैंने कहा नेहा दीदी। नेहा दीदी है, तान्या दीदी है। हाँ कह रही अभी तो तान्या दीदी तो पढ़ाई कर रही है ना, नेहा दीदी से ही बोल सकती हूँ कह रही थी। चलो 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 जल्दी करो, बन गया हैं बिना धनिया के पराठे आयुषी के लिए, ये नेहा के लिए और हमारे लिए बन रहे हैं धनिया वाले। और भव्य को दे चुकी हूँ फ्रेंड्स मैं चीनी का पराठा। चलिए फ्रेंड्स अब खाते हैं खाना। आज नेहा के लिए हमने बनाए हैं आलू के पराठे। खा के बताओ कैसे बने। नून खुशियाँ का स्वाद है। धनिया वाला दिया तेरे को? इसको बिना धनिया का तेरे का? नहीं, धनिया वाला ठीक हो रहा ना? धनिया डाल के अच्छे लगते हैं ना, यही नहीं खाती आई हो। तू भी आ जा जल्दी, आप तू भी खा ले, वो तो खा ही लेंगे। फ्रेंड्स थोड़ी बहुत धूप तो आई गई। अब कार्यक्रम करते हैं गेहूं डालने का शुरू, क्योंकि मुझे आज गेहूं भी पिसवाने, मेरा आटा खत्म हो गया है। तो पहले अब डालते हैं इसमें गेहूं। तो गेहूं भी डाल दिए फ्रेंड्स। अब मैं इसको ना दुपट्टे से ढक देती हूँ, नहीं तो कबूतर खा जाएंगे। और फिर कपड़े धोने का काम भी शुरू करती हूँ। टीवी देखते देखते पढ़ाई नहीं होती बेटा। चलो आपको छुट्टी रिवीजन करने के लिए मिली है ना, तैयारी करने के लिए। ये देख लो इसकी ये तैयारी हो रही है, इधर टीवी देख रही है। हाँ जल्दी पढ़ ले, और पढ़ाई करेगा कहीं नहीं जाएगा आज। खेलने के लिए मेरे से पूछे भी नहीं जाएगा। पहले वो लिखो, जल्दी करो। सब चलती हूँ ऊपर, गेहूँ वगैरह डाल दिए मैंने और किचन का काम भी मेरा हो गया। हाँ हंस मत, इतनी बुरी हंसी, इतनी बुरी हंसी। ये देखो क्या हो गया, ये देखो ये देखो ये देखो हैं। यह आ गई है अपना बोरिया बिस्तरा लेके, और अब तो नेहा भूभी दीदी आज जा रही है। अब गाना गया, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। और आयु आज दादी के रेडियो में गाना तो बढ़िया ही बज रहा था यार, खुश है। अरे हाँ आज तो पहली तारीख है ना सच में? अच्छा इसीलिए आ रहा होगा वो, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। हाँ इसीलिए तो उसमें ये भी था, बीवी पति से बोले आज सिनेमा दिखाना, सिनेमा दिखाना, क्योंकि पहले मूवी पिक्चर नहीं बोलते थे, सिनेमा ही बोलते थे ना। तो अब नेहा तैयार हो रही है फ्रेंड्स, देखिए घूमने जा रही है नेहा। अपना बोल रहे अब इस तरह ले करके तो आप बेहोश हो जाओगे। ठीक है पानी वानी रख ले, फिर मुझे होश में कैसे लाएगा तू है? ठीक है अब है? ओफो, अब मैं बेहोश हो जाऊं, मुझे गोद में पकड़ेगा? हो गई मैं बेहोश। चल ठीक है, है? कैसे रोकेगा वो तो जा रही है, कैसे